बुलंदशहर में सड़क जमीन में धंसी, सड़क धंसने से पलटा ट्रक। हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम, यातायात हुआ बाधित। कुशीनगर में अतिक्रमणकारियों पर गिरी गाज, चला रेल प्रशासन का डंडा। रेल प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में हटाया अतिक्रमण। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में दो बदमाश घायल। रामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शराब के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई शराब हरियाणा मार्का की। मेरठ में गोली लगा युवक, सड़क पर तड़पता रहा, हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता रहा युवक, लोग बनाते रहे वीडियो, युवक की हुई मौत। शाहजहांपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में दो कांवड़ियों की दर्दनाक मौत। पन्ना में निर्माण कार्य के लिए तरसती सड़कें, खस्ताहाल सड़कों से लोग परेशान, शिकायतों के बाद भी सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। शिवपुरी में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी, आधा दर्जन बच्चे हुए घायल, घायलों में दो बच्चों की हालत गंभीर। मुरादाबाद में तहसील दिवस के मौके पर मीडिया को कवरेज करने से रोका गया, अभद्रता के विरोध में धरने पर बैठे पत्रकार। जालौन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, बैठक में जिलाधिकारी ने की विकास कार्यों पर चर्चा। कुशीनगर में तहसील दिवस का आयोजन, 40 मामलों में से सिर्फ 4 का हुआ निपटारा। गंगापुर सिटी में बाइक चोर की संदिग्ध हालत में मौत और मॉब लिंचिंग मामले में लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मुरैना में जलागढ़ के माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील भोजन में पाई गई भारी अनियमितता, बड़ वृक्ष के पत्तों पर भोजन रखकर खा रहे बच्चे। स्पोटरा में चिकित्सा विभाग की टीम ने बच्चों को किया कई बीमारियों को लेकर जागरूक, साथ ही बच्चों की दी अहम जानकारी। ग्वालियर में लापता नाबालिग लड़की और बालिक लड़के को नहीं ढूंढ पाई पुलिस, पीड़ित परिवार ने की जनसुनवाई, एसपी से शिकायत, एसपी से भी मिला सिर्फ कोरा आश्वासन।